अपना शिकार नहीं कर पा रहा था, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो बस सिर्फ एक मौके की तलाश में था। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर रूपेश इन मासूम बच्चों को अपना शिकार क्यों बना रहा था? और इस वक्त का सबसे अहम सवाल, क्या पुलिस समय रहते रूपेश तक पहुंच पाए? क्या बबीता रूपेश के शिकंजे से बच पाए? अरे वहां रोते थे। अरे अम्मा, अरे खाना तो खा लीजिए। क्या हुआ? तबियत ठीक नहीं है हमारी। अरे रतन भैया, अरे रतन भैया। कौन है? अरे फिर क्यों भैया? राम राम भैया। अरे राम 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 राम। साहब आके आइए। अरे ये निमंत्रण देने आए थे भैया। निमंत्रण? किस बात का? अरे कहा है, इसी महीने की 21 तारीख को हमारे पोते का नामकरण है, आप सब जरूर आइएगा, हमें बड़ी खुशी होगी भैया। ये तो बड़ी खुशी की बात है, हम जरूर आएंगे। अच्छा अच्छा, चलते हैं। राम 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 राम। Yeah.